सरल सहज, इसीलिए उसको पहचान। क्या इसकी लालच फ्यूटिलिटी ऑफ मेटीरियलिज्म तर्जमान, दमी जीठुम नद बुहनी दमी जूठुम सुन्नत तार, दमी जीठुम थर फलवनी दमी जूठुम स्कुलनत खार, दमी जीठुम गज बुहनी दमी जूठमस दुहनत नार, दमी जीठुम पांडवन मजी दमी जीठुम क्रजी मास। Just futility of the materialism. She doesn't have to say to renounce the world. So, ye mahilis karvayi broken paknaman karav sividibat tor request Dr. Ratanlal Chand Chasmas bihit yim chi vidvar vanmat yiman chi kush shishpet laldi dipet kush zabangin pet hindi espet bagay adbis usata dastras. तो इसकी अच्छुदार महफिल हिंद सरारत कारण खुद रुचि उसको प्रोफेसर शांतस इल्तिजा करें जितने मानन डाइस इस प्रदर्शन आज की जो सभा है इसकी प्रधानता वही करेंगे। हमारे बहुत अच्छी हमारे भाई हैं तो आज के विशेष अतिथि हैं, उसे भी मैं मेरे लिए करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास और भी सारी योजना है, सारी स्कीम्स हैं, तो इसमें हमने कुछ ट्रेनिंग आती है। तो मैं रमेश शांति साहब हमारे हैं जो शारदा का मिशन चला रहे हैं, जिससे कश्मीरी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा काम है। विदाउट बायस, विदाउट वॉयस एक और चित से ये सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी भाषा की जितना मतलब बढ़े पाने पाने पूजा की सीमा वाटर पूजा की सीमा दिस कंट्रीब्यूशन इज मतलब बियॉन्ड। और साथ ही हमारे साथ बैठी है एक अधिवक्ता है in the times of Trump. She is Madam Monica Kuhn. I will just try to share the guys in the room. इसके अलावा मातृशक्ति की हमें मतलब गांधी मातृशक्ति है तो एक चीज है जब हिस्टोरियंस इंग्लिश हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मुस्लिम फैमिली का जो हेड है पायरोटर फोर्स सेंट्रल फिगर फोर्स वो फादर होता है, लेकिन जब कश्मीरी पंडित फैमिली के लिए लिखता है वो कहता है इसका सेंट्रल फिगर फोर्स मदर है। तो सो मातृशक्ति का सम्मान करना हमारा धर्म है। तो इसी के साथ हमारे साथ संतोष नादानी बहुत ही अच्छी गायकी हैं, बहुत पुस्तकें लिख चुकी हैं और धर्म में धर्म की गीता जी का ट्रांसलेशन पता नहीं कितनी का पुराण का शलोकों का ट्रांसलेशन करती आ रही है। मैं इसे भी दरखास्त करता हूँ कि वो भी हमारे साथ, जैसे कि हमें कुछ देर इंतजार भी करना पड़ा अपने पहले अरदास जी के लिए, तो मैं उनको अब निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आकर रजत के बारे में जो उनकी कविता है वो हमें सुनाए या जो भी सुनता करना पड़े। पंडित बद्रीनाथ अरदास, नमस्कार।
राधा मुह आश्रम आई थी बनाम राधा देवी मुद्र आश्रम आश्रम कशीर मतलब ये तो कौन अंजनाव थी आप क्या कारण से बिलाम समाज में बराबर समझ पड़े क्या कृष्ण देश महाराज से पीड़ा गोम तंद संकल्प उन सुरुत शेष प्रेम को इंफॉर्म तरफन लाल देवी बूर उनके आवाहन जो साथ के जाए हम सुनिस ना उस पर आव हाल समर्पित करने उन सिबूर जिस मेटी का वाइट प्रसन्न मन लाल देवी बूर उनके आवाहन रुत शेष प्रेम को इंफॉर्म तरफन लाल देवी बूर उनके आवाहन ये बूर जिस मेटी का वाइट प्रसन्न मन लाल देवी बूर उनके आवाहन गौर पुचुम योरा स्फुर चुम प्रकन ये पुचुम समिधा मुझ भक्ति जन गौर पुचुम योरा स्फुर चुम प्रकन ये पुचुम समिधा मुझ भक्ति जन गंग और तुम दो लज सम रियम लाल देवी भूषण के आवाहन आज से गंग और तुम न सूत मा जाय का दोषीर थी यस जाय लगी है चुम तीर थी सूत मा जाय का दोषीर थी यस जाय लगी है चुम तीर थी प्रतिमाय चांगी तो दुख पूर्ण हम वाले दिल बूझूं के आवाहन नवनो मंदरी नई आश्रम नकोरु इसमिजा चुन कीर्तन नवनो मंदरी नई आश्रम नकोरु इसमिजा चुन कीर्तन युद्धसार अश्नाय युद्धसार जहा अमनादान हम वाले दिल बूझूं के आवाहन युद्धसार जहा अमनादान हम वाले दिल बूझूं के आवाहन नवनो बहुत वो नई शादी न समित कुनी इज गुरु दिया दे न मनो बहुत मोद नई शादी न समित कुनी इज गुरु दिया दे तहरी भुक्त जहना है कोई अर्पण लाल देवी भूषण के आवाहन तहरी भुक्त जहना है कोई अर्पण लाल देवी भूषण के आवाहन बोरियों के मालने के मशीर आओ बोरियों के मालने के मशीर आओ हम ध्यान सारे हुए मानसो बोरियों के मालने के मशीर आओ हम जब सारे हुए मंसो गार्जियार वुश वुश प्रवान पिंडन वाले देवी बूझूं के आवाहन गार्जियार वुश वुश प्रवान पिंडन वाले देवी बूझूं के आवाहन अष्टम जाचुन पान प्रजुन अष्टम जाचुन पान प्रजुन ज्ञान स्यान समान सारुन अष्टम जाचुन पान प्रजुन ज्ञान स्यान समान सारुन बाक्यान समरे अंग्रेजन Allah'ın izniyle. परमकान वस्तु ज्ञान आवई अनमोल शब्द मंत्र आवई योगी ग्रंथ में मत योगियम लाल देवी बूझूं के आवाहन योगी ग्रंथ में मत योगियम लाल देवी बूझूं के आवाहन उस पापों तो चुन यो दुआ इमाजा आसन कितने दिन मोर चन कांश रोशन वैसे छाया ना उस पापों तो चुन यो दुआ इमाजा आसन कितने दिन मोर चन कांश रोशन शर्मसार सूची मर्दी मगन लाल देवी बूझूं के आवाहन शर्मसार सूची मर्दी मगन लाल देवी बूझूं के आवाहन तजिकोर राक्षो ऐसे भय नाश न्यारदू सारां गैटी मंजगाश तजिकोर राक्षो ऐसे भय नाश न्यारदू सारां गैटी मंजगाश मंजगाश हाव विष्णु अर्पण लाल देवी बूझूं के आवाहन गैटी मंजगाश हाव विष्णु अर्पण लाल देवी बूझूं के आवाहन अभिलाष गुरुगिंदित आमुत शरण अष्टांग धनव क्यों मुत्वरण अभिलाष गुरुगिंदित आमुत शरण अष्टांग धनव क्यों मुत्वरण लाल माजुवीर की निपारी का मुलं लाल देवी बूझूं के आवाहन लाल देवी बूझूं के आवाहन हमने कोमास में टीम में आप विलास में जी सुधन सुन कश्मीर मंडल चंग कोस दूरी चकनी पूरी जाम स्वर्ग
ताशे मीर मंदिर लच्छे पंग तोस पूरी जगनी पूरी जाम सर्ग विष्णु ब्रह्मा ओय सानी पूरी जगनी पूरी जाम सर्ग विष्णु ब्रह्मा ओय सानी पूरी जगनी पूरी जाम सर्ग ताशे मीर मंदिर लच्छे पंग तोस पूरी दस क्या करनी आम सवस्क यूरी तो रही असली तो चीजी क्या करनी आम सवस्क यूरी तो रही असली तो चीजी जाम क्यों सुविधाई सर्गा पूरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग जाम चंद सुविधाए सर्गा पूरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग प्रण भाव नन मंद चाई महसूरी यूरियन मंद चैर मुझ जाए रन पवन मंद जान महसूरी यूनियन मंद शरीरत मुझ जाए सुंदर बट मर संभाये बट पूरी जगनी पूरी याम स्वर्ग सुंदर बट मर संभाये बट पूरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग व्यवहारस तुई रूजक दूरी गीत्यावसी मजबूरी व्यवहारस तुई रूजक दूरी गीत्यावसी मजबूरी हाथ कटके मारो स्वर मन जोरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग हाथ कटके मारो स्वर मन जोरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग समसर व्यवहार वासना आवी रूसे जाऊई जन मासून समसर व्यवहार आसनायाऊई रूसे जाऊई जन मासून दयस्पा कुज मोली चाकरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग दयस्वत तुझ मोचई साकरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग मन सनीय सी तन वन वसी कैलास वसी लोभ तन जई मन सनीय सी तन मन सनीय सी तन वन वसी कैलास वसी लोभ तन जई तिवची तप रे जोखे मूरी मूरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग तिवची तप रे जोखे मूरी मूरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग वन वन पीर बस तोय वन नहीं चुंग चान तन नहीं जोन वन मोन वन वन पीर बस तोय वन नहीं चुंग चान तन नहीं जोन वन मोन वन नहीं मंजरी रूजक चोरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग मन नहीं मंदिर रूजक चोरी जगनी पूरी जाम स्वर्ग
दरवासनायन मूर्ति गली चलित कोट्या भक्त संकर दरवासनायन मूर्ति गली चलित कोट्या भक्त संकर निर्मल ये गोई मन दर्पण पद्मावती प्रो पद्मासन पम्पोष्वलेताव मंजर पापूरी चतनी पूरी जाम स्वर्ग साम्येलिचु सेवां क्यान्यस सबरस सिप्रस रावां चुम्मीजां तावैरूरियं शब्द में अन्हरी चकनी पूरी जाम सर्ग अल्लाह शागी बाबू पोष्टी का गगन सतारक ही क्या चिपी क्या मगर भक्ति का सही चल सही बुद्ध कम जोरी चतनी पूरी काम स्वर्ग काशी मंडल चे भंग पोष पूरी चतनी पूरी जाम स्वर्ग विष्णु ब्रह्मा होय सांद्रिनी यूरी चतनी पूरी जाम स्वर्ग आशीर्वाद इन चिरचना ताराना मैं मेरे से सुन 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 दपान लाल बरस प्रथम सासे लेके यस तीन नौ दस कफ नौ प्रथम प्रथम पिचिस लूसिस केमस निशे क्या कैसी शून्यवाद इसी विषय भोजन निशरोप करने कश्मीर चाहिए सुन तो ये शून्यवाद हमने बल्कि भारत में ही तो दुनिया को शून्य दिया है वी हैव गिवन जीरो टू द वर्ल्ड शून्य मींस स्पेस स्पेस विदाउट एनीथिंग कैसे कि ये कैसे फलसफ से जो अहम है इधर शिव सुन पान आसुन तो पाते भूत न्यून ये ते न्यून कहाँ पहुंच इस संसार पर हो लिहाजा चलाओ तो मैं सो लेता हूँ इसको ना यही चीज भी तो स्पार्टस यही चीज ग्रेटस तेरे के शुभ पूजा करना या शुभ करना सिकार क्यों ओनली प्रेजेंट सो शुड से मच और अब मैं पंडित हरेना जी से कहाँ गए वो तो नहीं अच्छा चलिए तब तक मैं संतोष शाह मैदान से निवेदन करता हूँ कि वो लज्जित है अपनी याचना है या पृथ्वी पर है और मुझे से टाइम का ध्यान रखते हुए पढ़ सकते
Mind for better way, serving Mahan, for all the service, मुझे लगता है करता करता अभी वो एक्सीडेंट तो साहू को मेरा पढ़ना हार जो पढ़ना मन पढ़ना पूरा मंच है आसीन जो महानुभाव है उनकी इजाजत से मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ सुनेगा यदा यदा सिद्धार्थ कामनी भारत अभिधान मदर्म से तलात्मान से जानते जब जब धर्म का नाश हो जाता है अधर्म की आवाज हर तरफ गूंजती है उस समय धर्म के उत्थान के लिए नई संसार में जन्म लेता है परिणामी साधुना विनाशाय च दुष्टम धर्म संस्थाप करना संभव साधु संतों का उद्धार करने के लिए पापियों का संहार करने के लिए धर्म की नींव पुख्ता बनाने के लिए जनता के बीच में जाने देते ये श्री कृष्ण के स्वरूप है सातवां व आठवां चौथी अध्याय के हैं श्रीमद भगवद गीता की चौथी अध्याय के सातवें और आठवें स्वरूप को भूमिका में इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि हम सबको पता चले कि हर महान व्यक्ति लोगों के उत्थान के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं जिस समय लगे शेरी ने जन्म लिया उस समय कश्मीर और कश्मीर पर जुलम और मुसीबतें चरम सीमा पर थी आम लोगों के दिल में ध्यान और ज्ञान से भारत बनवाने के लिए लगी शेरी लाल ने जन्म लिया लगी शेरी ने 1320 ईस्वी में एक बार में 11 कश्मीर में जन्म लेकर 1392 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया उसके गुरु का नाम सदगुरु था बाहर सा कहीं पर श्रीकंठ का नाम लिया है कहीं पर ये तो 12 साल की आयु में मोहल्ला धर्मपुर कानपुर में ब्राह्मण घराने में लड़के नेकपट ब्राह्मण लड़के नेकपट के साथ उनकी शादी ससुराल में कहने पहले उनको सास के द्वारा और बाद में अपने वार के द्वारा बहुत सताया गया वेदों के अनुसार एक लड़की के लिए ससुराल एक तपोभूमि है ये विचार सिद्ध करने के लिए ससुराल में सब कठिनाइयां और यातनाएं थी जेल और गुरु प्रेमा और दया कृपा से वो ज्यादा ईश्वर ज्ञान में रहने लगी जिससे उन्होंने व्यवहार ज्ञान से ईश्वर कृपा पाई गुरु कृपा से उन्होंने वाक्यों के द्वारा अपने विचार और अनुभव मन जनता में प्रकट करना आरंभ किया जो ध्यान और नैतिकता से परिपूर्ण थे वह असल में रहस्य समझने का अनुभव प्रस्तुति का बेहतरीन माध्यम है दो या चार वाक्यों में लिखा हुआ केवल एक ही विचार को प्रकट करने का नाम वाक है यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इन वाक्यों का अर्थ समझकर प्रेरित होकर ध्यान और व्यवहार ज्ञान से अपना मन साफ किया होगा जो उसे उस युग के हर बच्चे ने माता के दूध के द्वारा पान किया होगा और आज तक वही संस्कार दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ते हैं जो कठिन परिस्थितियों को आसान बनाना जानते हैं वैदिशेरी को रीति रिवाज में भूत पर असली हवन हरी पूजा करके या तीर्थस्थल मंदो मठों पर जाने मंत्र पढ़ने और व्रत रखने में कोई रुचि नहीं थी बल्कि अपने वाक्यों के द्वारा भी उनको नकारती थी जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है कश्मीरी शायरी इससे अलग नहीं है जिन्होंने उस दौर में शायरी की जब शायरी इन्होंने दौर में शायरी की जब शायरी की छाया भी कहीं नहीं थी आम लोग उनको लालगर लाल और शायरी शेर और लाल के नाम से पुकारते थे वो स्टाइल को भी लाल नाम से पुकारती थी जो उनके वाक्यों से हमें पता चलता है जो उन्होंने अपने 184 वाक्यों में 11 बार प्रयोग में आया है जिसमें से 109 बार व्यसन और 75 से आनंद को साहेब के ने इकट्ठे करके लोगों तक पहुँचाए हैं जब भी उनकी शायरी की बात करें एक इब्तदाई कवि होने के बावजूद कश्मीरी भाषा
मैं कहने वाली वो कैरेक्टर जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सकता। सभी धर्मों का मान सर्वांशों से प्यार साधारण जीवन संसारी व्यवहार श्रद्धा से निभाते निभाते परमेश्वर को अर्पण करके हम गर्भी गुरु उपदेशों का ज्ञान लागू में भरना सारे वंशों को एक नजर से देखना इन सब विचारों को अपने अनुभव की धागे में मोती रूप उपदेशों के द्वारा लोग के सामने लाकर सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। कश्मीरी भाषा का पुराना नया कोई भी शायर इस बात को मानते हैं कश्मीरी शायर शायरी के नुमाइंदा होने के कारण वो कहती है जो सारे संसार में नाना भाषा होते महान शायरों के मुकाबले कश्मीरी अदब की इमारत इस साल ने बनाया। ये कश्मीरी शायरी की कहने के अनुसार हमें संसार के सब महापुरुषों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिससे उनके भक्त भावना और श्रद्धा से उनका नाम एक लघु कथा के अनुसार एक दिन जब उसके गुरु नदी में नहा रहे थे उनके ऊपर नदी पर बैठकर अपनी रुचि की घाघर साफ करने लगी और घाघर से दूसरी बात श्रीकांत गुरु 40 दिन तक ध्यान में बिना खाए पिए बैठे। एक दिन लाल उनको ढूंढते ढूंढते उनके उस स्थान पर आई जहाँ वो तब साथ थे। लाल को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली ये कहकर कि गुरु की तपस्या कर रहे हैं। लाल ने कहा छोटे घर से दूसरा टायर के नीचे रखा पारा जैसा कौन सी चीज चमक रही थी जो सहमी हुई हिल रही थी। इस पर लाल ने उत्तर दिया जी गुरु जी नहीं थी उसने जिसने शरीर की जरूरत करके भी आप रही थी ये सोचते हुए कि मेरे लिए मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं मानव इंद्रियों को काबू करके व्रत रखने से मुक्ति मिलना संभव नहीं। अंत में इस कार्य में ईश्वर की कृपा का पूर्ण यहाँ मैं लाल की महानता का अपमान करते हुए अपने शब्दों को शब्दों से विराम दे रही हूँ। आशा है कि आप इसको इसी तरह ध्यान देकर इस भाव से खुश होंगे। मैं कश्मीर से अपने ही देश से निकाल रही हूँ। लादे के विचारों का अपने माता के दूध के द्वारा पानी किया है। ईरान के निवासी एक प्रसिद्ध शेख सैदी ने अपने किताब गुलिस्तान में मिट्टी से पूछा आपने सुगंध कहाँ से लाई। इसीलिए 33 सालों में भी मैं इस पावन भूमि को बोल न सकी हो सके आप सब मुझे अपने जन्मभूमि में फिर से बसाए मैं सरकार की सहायता करनी शुक्रिया। मैं भी
this workman's thing as a school, let's promote you rather than go ahead. And since we are having a finish, it wasn't so much for you. Good work, you know, that's why I don't want to do this dark, I don't want to do this. I was so dark this one, I'm a part of the world. Now you know, I feel like a part of the school, I am. Super, super strong. Eight four nine two zero. Back in your home, when you're trying to. 8492. Well, they actually see it. As much as a Gavahar Janus, Pachu Dayan, Dayanus, the captain, and Swishma, and all the Gavahar. Such a, Divi Rastu, such a Kovare Namus. The Lahza can go, but his hours, but you want to go, 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 you know what, करो फोन मैं तुमसे डिले कर हां वो भाई बोल रहे बात हेलो दीपू भाई इधर बोल रहे हैं कि क्या हाउस से वजू दूरी ये क्या असली मजबूरी हां 10 मिनट मगर सब उस ने कहा ठीक है जाओ टाइम खेचनो बस फायदे फायदे का बाहर गया लहजा कैसे जैसे आप सेंटेंस बस यहां बैठे अगर प्रश्न आए तो चेस व्यवहार ज्ञान के हिस्से में लाल मनान मगर मेरे को नहीं मिस्त्री मुड़स ज्ञान निष्काफ लोग हुए हर स्कूल में राली दो शिक्षा के सफल होने से राहुल नंबर से पान कर रहा है लेकिन राजमन में नहीं कर रहा सर स्मृति वाला यह भी तुम्हें चाहिए कि हम खंबर है था बच्ची यह भी चाहिए ती आहार अन सेता स्वगतार स्पेता सेता This one kept one. They should watch more Krishna because she believed in absoluteness, not kind of partner of this. They should watch more Krishna. Yan Chipi, Tan Sandarun, Pachon Darun Tabarun, Kar Wokarun, Sarchi. Which is my पंडित हरेनाथ जी एस पंडित हरेनाथ जी पंडित पुष्करनाथ राजन सर सॉरी मेरे से पता हुआ Japan, Lal, Pukus, Bukus, Deliver, Sikus. Moha Bhattu Prudhundi. Shalti Sri, Achi Sri Sri Terminology Sanskrit. That means, Moha Sri Abram Sri. It's going to be a name. Worship foods, non-recipients, serving us all. You're welcome to the item, worship. Thank you, guys. You must be smart, girl.
مےٚ چھِ پَرِمَژٕ قرآن کِتابہٕ
زنیشنی ہز مگر ستن ورین اخر زبردست تحقیق جل میں سری نگر جواب میول کوئی بات نہیں ہے کتاب لکھوں گا پتہ دلی من گورنمنٹ آف انڈیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کور یہ تمہ پہ تک شرکت پوشکانی جی واریہ ساؤتھ ویسٹ واریہ وائس چانسلر گوٹ تم تم سی کر اتھ پہ ڈسکشن پتہ یل میں کتاب ہو وچو وار بز تم کو بڑا تیاری ابتدائی میں برک ورک تھوڑا سا تو اتھ وہ زفر سے دوپن سن تھا سب بٹ بھی پھیرن امس ولیو مے سے چپاتی لگے سے ہن کو چے شیو سوتر شو لکھن شیو سوتر سے بڑن کو شاد چھ غلط کو چیتن یم آتما ات کو چھ غلط معنی تو مے سی شو لاد یت مے چون دای دی پر دای دی تے اسی ہوے لرد مے سی یہ کار اس مسلمان سو دی ہن مے سی کار اس یہ کشمیری تھی یہ بات یہ کہ چھ کارن لو دبر چا کے چھ بولو سی برحال یہ اگر وہ اس نے کہتا ہوں کہ جی علی شریف ہوں دیدائی شریف شما کو دیکھتے ہیں واری ہاں ریشن بنی ہوں ہاں دیکھو لال دیکھو لال دیکھو بھائی ہاں تو ایک پیٹ کر جاؤ کنسنٹریٹ نہیں جیسے میں بھی اس میں ذات میں لوگ تھوانا کیا جائے بلیل گروز دفان لال اکوی اومکار یس نائی بھی دھرے کوئی بھی برمانڈ سن گرے اک سوئی منتر چتس کرے تس ساس منتر کرے کیا تو اچھی چیز بھی دیوان پڑھت رمیش حامد صوبس دعوت زی تم کر پن خیالات ویت اس لل دید اس دمت آز زندہ گھنٹے چھس بون راج انسٹیٹیوٹ بڑے ریسپیکٹفلی تم آنر کران اینڈ اے ویری ڈلائٹڈ پریزیڈیم آنریبل پریزیڈیم and all of you are scholars lalit deji chuna aise bikharan khatr vanmun cha nachte aise vanmun to istne talwar te neero ladai ka lalit deji chaise panne intuition sait سرسن کمانڈس من لون کمیٹ پریرنا سلال دیت یا شاید کنی سانی بدقسمتی کارن یا سانی سٹرگل کس اکس سٹیجس پیٹ ایسا مشت ارس کرونیت کیازی پتیم ترہ تیترہ ویری ایس سٹرگلنگ یتھ من زن ایس پانی تی شاعر بنے یتھ من زن ایک شاعر شاعر ہن بحران تی آو یتھ من زن ایس لگ بگ شہد کتاب تی لیچ تو ون تم سے پریرنا سیت یہس مے باسن تم سو تی بجر سان سنسکار ہند تھزر کہ یوس پہ رٹ اس لل موج دلس دماغس من
तमसी प्रेम सतो हालांकि दुनिया मं वा मगर अं रेस्पॉन्सिबिलिटीज आज बड़ फस्ट क्लास तरीक मव समझा कि इंटलेक्चुअल जीनो साइन कित समझ वन तम परस्थित मं तन मन एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आमन मन शाम घर वातवा बत खेवा फैमिली सतवा फैमिली सहमवा यह प्रॉब्लम आमत मास वदल प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम प्रोफेसर शाह सबस खोर वटि बद्रीनाथ अभिलाष जारपार कर तम रेक्टिफिकेशन गम गलती गम गलती उजागर कर ललित सुस्थान दुन ये स्थान ललित जिम्मेवार और बहुत 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 बधाई हो इस सरकार को जन ललित हूं पोटे नहीं इस पार्लियामेंट से समझा ललित क्या है और अगर सरकार की लेवल पर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर ललित को लोग समझे तो हमारी लेवल में हम क्यों होता है ऐसा जिम्मेवारी और यह सारे ऐसा कलेक्टिव जिम्मेवारी कि ललित हिंदिस नावस पे गए अक्सु इंस्टिट्यूट जम्मू कश्मीर मन सरकार के तरफ बन बन ये जम्मू कश्मीर पहचान दिनस मे पूरे वर्ल्डस मे जम्मू कश्मीर तो भारतीय तहज पहचान दिनस मे प्रेरणा बहुत सारे नमस्कार कर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपके संक्षेप और बहुत ही सार्थक शब्दों की लाल बनान शी ब्रीव दिन एब्सोल्यूट इसमें वन शून्यवाद छु असे बोधन निश अनुमत कैसे शिवाजी सालस बहुत तिरुई वी शुड नॉट डिनाय दिस आल्सो हिस्ट्री इज हिस्ट्री तंत्र गलते मंत्र मचे मंत्र गुलते मचे चत चथे गुलते कहना कुने शून्य शून्य मिलित गौ इसी के साथ में मोहतरमा मोनिका कोहली जी से निवेदन करता हूँ वो माइक्रोफोन पर आकर आज के उपलक्ष्य में अपने जो विचार हुए थे नमस्कार सबसे पहले मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत और सब नीचे बैठे सभी लोगों को भी जो कि ऑल स्कॉलर्स है एवरीबॉडी इज लिटरेट क्वाइट वेल क्वालिफाइड और मेरा कुछ भी बोलना इस सब्जेक्ट पे आई थिंक बहुत कम होगा बिकॉज मेरे से सब ज्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच पे बोलने का एक मौका दिया गया मैं सबसे पहले तो दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस सब्जेक्ट से जेनोसाइड वर्ड से एनलाइटन किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माता ललेश्वरी आप सबको क्योंकि आज माता ललेश्वरी जयंती भी है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेनोसाइड क्योंकि मैं एक लॉ की स्टूडेंट रही हूं तो हमने बहुत कैजुअली ये वर्ड तो बहुत बार सुना है इंटरनेशनल लॉ में कि जेनोसाइड बट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनोसाइड जो हमें जोनराज इंस्टीट्यूट के माध्यम से बिकॉज मैं खुद भी जोनराज इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूं और जो डॉक्टर दिलीप हमें पढ़ाते हैं बिकॉज दो आई एम नॉट एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली बट जो एक मैकेनिज्म डिवाइस्ड है उस इंस्टीट्यूट का कि यू कैन ऑलवेज आप उस जो लेक्चर्स हैं जो डिलीवर किए गए हैं उनको आप बाद में जब भी आपके पास समय हो तो आप उनको अच्छे से सुन सकते हैं तो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल दोज लेक्चर्स और जिससे काफी सारा कॉन्सेप्ट ऑफ जेनोसाइड बिकॉज जेनोसाइड को अगर समझना है तो
ये एक जब भी किसी एक प्रोटेक्टेड कम्युनिटी को होली और पार्शली एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए एक बाय वे ऑफ अ प्रोसेस, कि जैसे हम बहुत कैजुअली इसको समझते थे जाति विध्वंस का टर्मिनोलॉजी जो जोनोराज इंस्टीट्यूट ने की तरफ से क्वाइन किया गया, जिस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते थे पहले, दैट वाज जस्ट कि हाँ जी एक कम्युनिटी को प्रोटेक्टेड कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बट द प्रोसीजर एंड द प्रोसेस हाउ दिस entire process of genocide takes place is so beautifully explained or by Dr. Dilip Kohl कि आपको समझ आता है कि हर चीज जो हुई, जो हर चीज follow हुई from day one, किस तरह से एक stage के बाद दूसरी stage हुई और इस चीज को process को continuous process of genocide जो चलता रहा, that is what makes you understand the concept of genocide in a better way. अब ये 700 साल से जो ये genocide का चलता आ रहा है और जो माता नलेश्वरी के साथ इसका connect है, that is very beautifully explained by Dr. Dilip Kohl and we are very very thankful to him that we are able to understand कि माता नलेश्वरी is not just कि एक identity की बात हम नहीं कर रहे, एक इनर कॉन्शियंस की बात भी हम कर रहे हैं कि बाहरी रूप से आप बहुत खूबसूरत हैं बट अंदर से आपके पूरी मैल है, दैट इज हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड व्हाट आई अंडरस्टैंड. अगर अंदर आपके सब कुछ मैल से भरा है बट बाहर आप बहुत खूबसूरत उस मटके को सजा देते हैं या उस इंसान को सजा देते हैं बहुत खूबसूरती से, इट मेक्स नो डिफरेंस. माता ललेश्वरी वॉज अ शिव योगिनी, ये हम सब जानते हैं, और जिस तरह से माता ललेश्वरी के वाक, क्योंकि शिवर ने राजतरंगिनी 3 में कहा है कि जिस तरह से घास को जलाया जा सकता है उसी तरह से हमारी सारी लाइब्रेरीज को, विच आई अंडरस्टैंड, को खत्म कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया ताकि ये कंटिन्यू ना हो सके हमारा कल्चर, क्योंकि कल्चर प्रिजर्वेशन इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और माता ललेश्वरी की ललित की वाक की वजह से आज भी ये घर घर में, हर कश्मीरी पंडित के घर में आज भी जिंदा है. एंड दैट इज व्हाई ये जितना भी हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे हम फिर भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे. कल्चर किसी चीज का मोहताज नहीं है. कल्चर को अगर सनातन को जिंदा रखना है, आज हम कल हम नहीं थे तब भी सनातन जिंदा था, आज हम हैं तब भी सनातन जिंदा है, कल हम नहीं रहेंगे तब भी जिंदा रहेगा. बट व्हाट इज आवर रोल, हमारा रोल क्या है कि इस पूरी जो माता ललेश्वरी के वाक जो कि हर घर, हर कश्मीरी पंडित के घर में, हर रूह में, हर रग रग में है, उस चीज को आगे हमने कल्चर को कैसे प्रमोट एंड प्रिजर्व करना है और कैसे इसको आगे चलाना है. The vibrant presentations by everybody has made me so emotional and has made me more proud to be a part of this community and I feel that everybody should at least once take a chance to learn from the Jonaraj Institute of Atrocities and Genocide Studies so that jo concept hai of inner conscience, jo concept of preservation of a culture explain kiya gaya hai, kyunki ye genocide term jo hai it's not ki Lemkin ne isko 1948 mein diya to ye aaya, it is since Jonaraj ने इनको क्वाइन किया था तब से ये टर्म है 700 years पहले. So it is a continuous thing. So that I am really very thankful to the Jonaraj Institute who has given me an opportunity to listen to all the dignitaries with especially आपका जो आपका नाम है, sorry to Ablaji. It was really so emotional and so touched. And आपके जो व्याख्यान आपने किया एंड जो आपकी एक इमोशंस आपके लेख में थी उससे हम समझ सकते हैं कि हर इंसान के बीच में आज भी वो भावना
और वो अपनी कल्चर और माता ललेश्वरी के लिए जो चेतना है वो आज भी हर एक घर में जीवित है एंड वी नीड टू कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी. लाल बनान सचस्न सातस पचस्न रुमस सुई मास में लाली चाओ पन्नी वा अंद्रियम घटक रटित वोलुम सचित तुदितमस तकी चाओ. लालच पान चीज है ना पर्सन सचवाना सुई मास में लाली चाओ पन्नी वा शी लिव्ड हर वाक्स. So it's all about the conscious. Tavai chu godni ki shiv sutra chaitanya mahatma. Yus chaitanya chu hasi chu. Haske mai fan ma sil chu godnas. Bonum si jasra. So not wasting any more time. Let me invite our chief guest Pandit Surendranam Bhadar for his gracious words. देख लेते हो मोहब्बत से यही काफी है. दिल धड़कता है सुकूनत से यही काफी है. मुद्दतों से नहीं देखा जलवा लेकिन शिद्दत से मोहब्बत करते हो यही काफी है. जूनराज इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोसाइड और एट्रोसिटीज के इस चिंतन के कार्यक्रम में आज प्रेसिडियम में डॉक्टर शांत साहब, मोनिका जी, रमेश जी, हमारी माता जी नारी जी, आप सब वास्तव में जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इतने गंभीर विषयों की चर्चा होती है तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर पे चर्चा, कश्मीर के ज्ञान पे चर्चा, कश्मीर के शैविज्म पे चर्चा, माता ललेश्वरी पे चर्चा और माता ललेश्वरी का जन्म दिवस है आज, शारदा अष्टमी है, गंगा अष्टमी है, आज राधा अष्टमी है, तो ललेश्वरी इन दिस आई वाज प्रोफेसर पोस्ट. जेम्स एडिसन एक मेरी तरह साधारण विद्यार्थी था, थोड़ा विवेक में उसे हमारे विवेक गुंज हुए इस प्रकार की विवेक नहीं था. तो उनके टीचर ने उनको स्कूल से रिजेक्ट किया, एक नोट लिखा और उसके उसको कहा कि ये नोट अपनी माँ को दे दो. उस नोट में लिखा था कि जो एडिसन है ये इसकी बुद्धि बहुत कम है इसलिए हम इस स्कूल में इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान आप स्वयं रखिए. माता ने जब ये नोट देखा तो इसने एडिसन ने पूछा कि मेरे टीचर ने शिक्षक ने क्या लिखा है. उसने माता ने उसको कहा कि आपके टीचर ने लिखा है कि तुम बहुत जीनियस हो और जीनियस होने के कारण आपके स्कूल में इतने एबिलिटी नहीं है टीचर्स में कि जो आपको पढ़ा सकते हैं इसलिए आपको मैं पढ़ाऊंगा. भी जेम्स एडिसन जब आविष्कार करता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, फिर एक बार जब घर जाता है तो उसको वो नोट हाथ में आता है, उस नोट को देखता है वो कि वो नोट क्या था. जब वो नोट देखता है तो उसमें जो टीचर ने लिखा था वो कुछ और था और जो उसकी माता ने कहा वो कुछ और था. मैं डॉक्टर दिलीप कौल जी का अभिनंदन करता हूँ कि आज उसने उसी माता के रूप में हम जैसे साधारण व्यक्तियों को वो परिचय नहीं दिया जो हमारे टीचरों ने दिया है, वो परिचय दिया जो उसके माँ ने उनको दिया. और जब इतने बड़े विषयों पे ज्ञान की बात चलती है, कश्मीर के योग शास्त्र की बात चलेगी,
ऊर्जा शास्त्र की बात चलेगी, व्याकरण शास्त्र की बात चलेगी, तपस्या शास्त्र की बात चलेगी, तो मैं स्वीकार करता हूँ प्रोफेसर साहब की मेरे के भी सिलेबस में नहीं रहा, ये एडमिट करने में मैं एक ज्ञान प्रबोधनी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ और न मैं ज्ञान प्रसारण का कोई विद्यार्थी रहा हूँ। तो आज मुझे लगा कि जो डॉक्टर को दिलीप जी ने एक ऊर्जा और शायद मेरे विवेक के किसी कोने में थोड़ा सा छेद कर मुझे शायद ये समझ आ रहा है कि पहले मेरी समझ ये थी कि मैं ये सब समझ नहीं सकता हूँ और यही मैं समझता था। आज दिलीप कौर जी ने मुझे ये समझाया कि जो आपकी समझ है उस समझ में थोड़ा कुछ समझ आ सकता है। सिविलाइजेशन ऑनस्लॉट्स में ये सब जो चर्चाएं हुई हैं, ये चर्चाएं हुई हैं, ये होती है, कल्चरल जीनोसाइड होता है, रिलीजियस जीनोसाइड होता है, आपके श्राइन्स का, आपके जो सिंबल्स होते हैं आइडेंटिटी के, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा को जलाकर 3.5 महीने वो पुस्तकें जली थी, और मेरी जानकारी में जो दो और विश्वविद्यालय थे जो नॉर्थ में ही थे, तक्षला का और वो हमारे चाणक्य महाप्रभु उसके विद्यार्थी रहे, तो शारदा पीठ के हम विद्यार्थी भी हैं और शारदा संस्कृति के हम अंश भी हैं, और शारदा के पुस्तकों को जलाने का भी, शारदा में ग्रंथ जलाने का भी जिन्होंने काम किया है, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी में सिविलाइजेशन ऑनस्लॉट है। और इन ऑनस्लॉट को जिस तरह से आज कनेक्ट किया गया माता ललेश्वरी के साथ, रेजिलियंस और रेजिस्टेंस, एक जो एक दिलीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम ललेश्वरी को शायद एक मिस्टिक आइडेंटिटी, एक मिस्टिक उस प्रकाश में देख रहे थे, शायद वो कंटेम्प्रेरी लीजेंडरी है, वो कंटेम्प्रेरी आइकॉनिक पर्सनैलिटी रही, और हमारे शोधकर्ताओं ने भी शायद ये दर्शन हम तक नहीं पहुँचाया, और मैं उसमें दोषी नहीं हूँ क्योंकि मैं वो शोधकर्ता नहीं हूँ। पर एक बात जो दर्शाई गई कि एक अपने वली साहब ने भी एक जो वाक पढ़ा माता जी का, कि वो थोड़ा थोड़ा मैं मुड़स ज्ञान ज्ञानिश कथ न हो वहीं से खरस गोर दिन रोवी दो मैं थोड़ा दिलीपी से यह प्रार्थना करूंगा, क्या इसमें रिगल नहीं है, क्या ये किसके लिए कह दी, ये जो शिक्षाठस, और क्या ये अगर 13वीं सदी के शुरुआत में हुआ है, 1320 के बाद ही हुआ होगा क्योंकि उनका, और तब कलहन ने जो कंटेम्परेरी अपना कंपाइल की थी, तो क्या काले बादल कहीं आए थे ना, तब काले बादलों का अक्स था, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक जो क्लाउड्स वो विजिबल थे, क्या इनका कहीं कोरिलेशन है कि शिक्षाटस ना ये किस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि क्या ये कहीं ना कहीं जीनोसाइड को रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है। और उस कॉन्टेक्स्ट में शायद मैं एक बात कहना भूल गया कि जब जीनोसाइड का एक कंटिन्यूशन में उसका 89-90 में माना जाना चाहिए कि वो कंप्लीट हुआ है, तो उसमें एक बहन जो हमारे साथ में बैठी है कि जिसने उस एक बसमा सुर को उसने जो एट्रोसिटीज की थी, उन एट्रोसिटीज का बदला, जैसे यहाँ ज्ञानी लोगों ने कहा कि हमको तलवार नहीं उठानी है, तो शायद मेरा मतभेद हो सकता है, कोई बात नहीं, पर अगर वो भी माने तो मैं
मोनिका कोहली जी ने एक भस्मासुर को उसके जो कर्म थे, उसने जो हम पे एट्रोसिटी की उनको जेल में डाल के उसको एहसास दे दिया कि सजा दी है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं एक और बात कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो मैं एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर हूँ, यहाँ एक हमारे राकेश कोल जी बैठे हैं, मैं ये शायद क्रैक कर सकता हूँ कि आगे ब्लॉक चेयरमैन कैसे बन सकते हैं, जीडीसी कैसे बन सकते हैं। पर उस क्षेत्र में सनातन कैसे बनते हैं, और मेरा विश्वास है आपके बगैर नहीं हो सकता। कोई हमसे मतभेद रख सकता है, पर मेरा विश्वास है कि जो हमसे फाउल हुआ है, मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने धीमी को जो गिलहरी वाले कदम हैं, जो राम सेतु बनाने वाले प्रोसेस में वो गिलहरी वाले कदम ही सही, पर मैं जो हमसे फाउल हुआ नॉन रिफाउलमेंट के लिए जो एक वायुमंडल है उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। जब भी हम किसी महान बाब प्रोफेसर साहब जैसे, अपने पुष्करनाथ जैसे किसी भी ज्ञानी किसी महापुरुष के पास जाते हैं, तो वो एक बात कहता है कि आपका कल्याण हो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रबुद्ध समाज है ये 30 साल में आत्मनिर्भर हो गया है, और 30 साल में एक वो समाज जिनके साथ ऑनस्लॉट हुआ हो, पतिज्ञ आय न अतिथि, वो आज आत्मनिर्भर हुआ है। विश्वास कीजिए, स्वयं पे विश्वास कीजिए कि जो आगे आने वाले दिनों में जो जीत होगी वो सनातन की होगी, वो आप इस आत्मनिर्भरता को बनाए रखिए। और ये मान लीजिए कि जो ललेश्वरी ने जो दर्शन दिया है, और जो अभी ये चर्चाएं चल रही थी तो किसी आईएएस अफसर वाईएएस अफसर ये पीड़ित लोग हैं वो हमारे टारगेट नहीं है। हम स्वयं पे अपने दर्शन पे विश्वास करें। कश्मीर में जो एक हमने एक जो ये देखी मूवी देखी, इसमें जो नरेशन था और जो राइटर था उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दिए थे जो इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस के कारण से जो अभी परिस्थिति है, और इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस को भी अगर कोई संभाल सकता है तो सनातन संभाल सकता है। आप से ये मेरी अपेक्षा है कि हमको कल्याण का होने का वरदान दे दीजिए। हमारे ओर से आप सबका कल्याण हो। आप आगे आने वाले दिनों में जो आपसे खोया है, समय ने हमसे जो छीना है, वो हम सबको वापस मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्रोत्साहन वाले शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशावादी भाषण था आपका, हम भी इसी आशा में जी रहे हैं। लाल बनान संसार सायस्तप्सी वज प्रकाश लुपुम सहस मरम न कूं तुम मर न कंसि मर नीच ते लस नीच। नीच इज अ वर्ड फॉर नो। और इसी के साथ मैं आदरणीय अपने गुरु प्रोफेसर रतन लाल श्याम से आग्रह करता हूँ कि वो अपना प्रेसिडेंस एड्रेस दें और इसके बारे में अपनी डॉक्टर रतनलाल श्याम। सभागार में उपस्थित मेरे बुजुर्ग और मेरे समवयस्क और मेरे अनुज मेरे छोटे भाइयों बहनों बच्चियों प्रणाम। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे मौका दिया यहाँ आने का।
यद्यपि मेरी तबीयत और सेहत मुझे इजाज़त नहीं देती थी कि मैं इतनी देर बैठा रहूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ परिवर्तन जब हवा में हमारी पारिस्थितिकी में सो टू से इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें जब दिखने लग जाते हैं, तो उसके बाद साधारण से साधारण जीव भी थरथराने लगते हैं, उनमें भी जिंदगी आ जाती है और वो भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम भी इसमें उपस्थित अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यही मेरे साथ हुआ है। खाली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ आ पाया हूँ, यद्यपि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती इससे ज़्यादा कि मैं इसमें और बढ़ चढ़ कर भाग लेता। अभी जो मेरे मित्र अंबरदास जी ने कहा कि एक आत्मविश्वास आ रहा है, ये सही बात है कि हमारी इस हमारे ग्रुप में हमारी जाति के लिए मैं एक आत्मविश्वास आया है, वो जो धीरे धीरे बनता जा रहा है, लेकिन वो पहले भी था, शुरू से 30 से ही जब से हमारी भटकन शुरू हुई तब से लेकर आज तक का आप साहित्य पढ़िए, आप कविताएं पढ़िए, आप कहानियां पढ़िए जो कश्मीरी में, हिंदी में, डोगरी में, पंजाबी में लिखी गई हमारे इस विस्थापन पर, उनमें देखिए आप धीरे धीरे एक आत्मविश्वास आता गया है। धीरे 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 साहित्य सिर्फ जो हुआ है उसको दर्ज नहीं करता, साहित्य सिर्फ शहादत बनने के लिए नहीं लिखा जाता, साहित्य इतिहास नहीं होता, इतिहास तो ये सब करता है, लेकिन साहित्य इस घटनाक्रम में, इस घटना के विकास या इसके परिवर्तन में जो कुछ मानवीय घटता है, जो मानवीय अंश इसमें घटता है, बदलता है, उसको दर्ज करता है और उसमें देख लिया आप, और जो विस्थापन साहित्य जिसको कहते हैं, यानी कि पिछले 30-35 साल में, अभी यहाँ जिक्र हुआ कि 600 किताबें लिखी गई, शायद मेरे ख्याल में हमारे दोस्त समीर जी ने कहा, ये 600 किताबें जो लिखी गई हिंदी में, कश्मीरी में सबसे ज्यादा ऑफकोर्स 200 के करीब, और उसके अतिरिक्त और भाषाओं में भी पूरे देश में लिखी गई, और इस विस्थापन के बहाने फिर और किताबें, आप देखिए अभी अभी कोटा रानी पर एक उपन्यास आया है, अब कोटा रानी पर उपन्यास लिखा जाता मेरे ख्याल में नहीं, अगर हम कश्मीर में होते नहीं लिखा जाता, क्योंकि एक इतना एक कश्मीरी में जिसे कहते हैं कि सौपन्यार आ चुका था, एक तरह से एक मध्यम सी दशा, गति तो नहीं कहूँगा, दशा हमको काटे हुए थी सांप की तरह और वो जहर धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था, लेकिन एक झटकन मिली हमें, झटका मिला बहुत बड़ा और वो आता गया है और अब हम इस स्थिति में हैं, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट खुला है जोनराज के नाम पे। जोनराज के बारे में आमतौर पर कहा जाता था क्या है यार, इसके समय में इसके आसपास हुई ललेश्वरी उसका नाम तक नहीं लिया इसने, और बाद के इतिहासकारों की तो बात है ही है, तो इसने भी तो नाम नहीं लिया, कम से कम इसने तो सुना होगा, देखा भी शायद हो, या इसके किसी और ने देखा हो, लेकिन और फिर जोनराज ने, हाँ इसने खाली जिक्र नहीं किया, इसने जैन राजतरंगिणी लिखी, वो तो जैन उल्लाउद्दीन का कीर्ति बंधन है और क्या हो सकता है उसके, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये इंस्टीट्यूट इस बहाने, एक तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी वो है, ये वो इतिहासकार है जिसके इतिहास में आप जरूर वो प्रेजेंस उस इस तथ्य की ढूंढ सकेंगे जो तथ्य हमको अभी तक काटता था,
ये तो एक बात उन्होंने ये तो तय हुई ना, और इनकी इसके नाम पे एक इंस्टीट्यूट खुला, और इंस्टीट्यूट तो नाम के लिए होता है, उस बहाने काम बहुत होता है। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे शेख नूरुद्दीन नूंद ऋषि के नाम पे, मरकज नूर करके। अब उस बहाने वहां पे काम जो होता है खाली शेख नूरुद्दीन की कविता पे ही नहीं होता, बल्कि उस बहाने उस समय के इतिहास, संस्कृति, बाकी सब चीजों पर होता है। मैं जिक्र कर रहा हूं उस बहाने। एक और बात कहना जरूरी है उसके साथ ही, बहुत देर से ये बैठी में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ललेश्वरी जिसका आज हम दिन मना रहे हैं और जिसको हम प्रणाम करते हैं सबके सब, घर में, मन में, अलग भी, समूह में भी, मिलते हुए भी, क्योंकि वो हमारी जिंदगी है, हमारे जीवन का एक अंतिम शायद सहारा है ललेश्वरी, तो इस उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जाएगा, लिखा जा चुका है, किताबें इतनी आई हैं, रिसर्च हो रही है, यहां हुई है, बाहर हो रही है, लेकिन उस बहाने काम होता है बहुत। इसी तरह शेख नूरुद्दीन के मरकज नूर में काम होता है। जब वो स्थापित हुआ उससे बहुत पहले प्रश्न उठा था, जब कश्मीरी विभाग बना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जिक्र है, कश्मीरी विभाग बना था, तो उस वक्त उसी वक्त रहमान राही साहब उसके पहले हेड हुए हैं, बहुत बड़े कवि और जन्मेरी नीर कवि और निष्पक्ष कवि और बिल्कुल अबव बोर्ड कवि। तो उन्होंने कहा था कि एक यहाँ एक केंद्र खुलना चाहिए, एक ललित चेयर, ललित चेयर। तो वैसे तो लगा कि हमें सब लोग मान रहे हैं, लेकिन आज तक वो ललित चेयर बनी नहीं। हाँ, ये मरकज नूर बहुत जल्दी खुला और अभी तक काम कर रहा, ये किसी ने नहीं सोचा। और ललित पहली कश्मीरी शायरा, मैं ये जानबूझ के यही शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये ललित कवयित्री या योगिनी और जाने क्या क्या है, लेकिन कम से कम मिनिमम रिकॉग्निशन उस महिला की यह तो है कि वो एक शायरा थी, प्रथम कश्मीरी शायरा, और जिसके बारे में रहमान राही से लेकर छोटे से छोटे जो कश्मीरी का लेखक है, चाहे रिसर्च स्कॉलर है, चाहे स्टूडेंट है, वो ये मानता है कि शुरुआत हुई है वहीं से, कश्मीरी कविता की शुरुआत वहीं से हुई। और अभी तक ये भी माना जाता है कि अभी तक उस पद को, उस पदवी को, उस ग्रेटनेस को, उस महानता को कोई पहुंच नहीं सका है जिसे ये कश्मीरी भाषा की पहली कवयित्री जिसको पार कर चुकी। ये सब मानते हैं, कहते हैं वर्ल्ड की के जो ग्रेट्स हैं उनमें ललेश्वरी एक है। और इस ललेश्वरी ने क्या किया, 60-70 वाक लिखे, 60-70 वाक। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 100-150 उसमें और माने 20 साल मिला जाते हैं, लेकिन जो मूलतः है भास्कर आजान, जिनका जिक्र यहाँ किया गया, जिनने पहली बार उनको समूह इकट्ठा किया, तो 60-70 वाक। और वो जेन्युइन वाक जो हैं पहले ही, इसके अलावा कुछ नहीं और है। अब 60-70 कविताएं लिखने, अगर एक एक वाक को एक पूरी संपूर्ण कविता भी मान ले, हालांकि वो केवल कविता नहीं है, एक एक ग्रंथ है, एक एक वाक, अगर एक एक कविता भी मान ले, 60-70 कविताएं लिखी और उसको हम वर्ड्स ग्रेट ग्रेट्स के बीच में हम उसको स्थान दें, इसके बारे में दो राय नहीं है। चाहे आप किसी अंग्रेजी नीला क्रैम्पो को पढ़िए, ग्रियर्सन को पढ़िए,
सर्वश्रेष्ठ टेम्पल को पढ़िए या आप हमारे अपने जो भारतीय ये हमारे लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्रिटिक्स हैं, उनको पढ़िए, ग्रेट है। और एक एक, क्योंकि एक एक वाक उनका इतनी एक्सप्लेनेशन चाहता है, इतनी इंटरप्रिटेशन चाहता है। मैं शैविज्म की बात नहीं करता, शैविज्म के कारण और शिव थॉट के कारण उसमें भर्ती वो भारी हो जाती, उसका वजन बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहता, उसके बगैर शिव वो तो एक आइडिया है जो उसके पीछे है, जिस आइडिया की वजह से उनका उस वाह का कंटेंट एनरिच हुआ है, बहुत एनरिच हुआ है, उसमें गहराई, जीराई और पजीराई जो उर्दू में कहा जाता है, दोनों उसमें आए हैं। लेकिन उसके बगैर भी, उस शैविज्म के उसके बगैर भी वो कविता के रूप में ग्रेट है। तो उसके लिए कोई नहीं बना है, कोई वो नहीं बना है, आज तक नहीं बना। अभी मेरे मित्र अभिलाष जी ने कहा कि मैं काफी घूमा फिरा, कहीं देखा नहीं। फिर मैंने जम्मू में कहीं पर जाके कहा उनसे कि भाई कम से कम एक जगह, एक मंदिर एक तो हो। फिर वो तो कवि है, कवि हृदय है और बड़ा कोमल हृदय है, और उनके रहा नहीं गया तो उन्होंने कविता लिख डाली, और उनके प्रति भी, ललेश्वरी के प्रति भी उनसे क्षमा मांगी कि मैं हम अभी तक आपके लिए कुछ कर नहीं सके हैं। और यहाँ भी हम लोगों से एक तरह से अपनी वो एक अभिलाषा प्रकट की कि भाई इनके लिए भी तो कुछ करो, कोई तो मंदिर, कोई तो जगह, कोई तो नाम, कुछ तो कॉलेज, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कुछ तो उनके नाम पे कहीं तो हो। ऑफ कोर्स वो तो सुनाई, वो तो यहाँ सुनाई भी, वही तो मैं कह रहा हूं। तो यहां भी तो नहीं हुआ, हम क्या करें, अपने आप को कोसें कि हम गर्व करें, और अभी भी हम गर्व करते हैं और हम कहते हैं हमारी जिंदगी में शुरू से लेकर अंत तक है। खैर, बहुत कुछ और कहा जा सकता है और बहुत संदर्भ हैं जिनमें ललनेश्वरी का, एक बार जस्ट बाय द वे मैं जिक्र करता हूँ, बहुत बार ये कि मेरे ख्याल में 80 के दौरान 80s में रेडियो कश्मीर में एक डिस्कशन उन्होंने वो कराया कि क्या ललेश्वरी को हम एक अजीम शायर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। इसमें शायद ये थे, हाँ संत राही साहब थे और ये भी थे हमारे अपने नादिम साहब भी थे, और प्रशांत, मुझे भी उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला था, पुष्प साहब भी थे वहां। अजीब हुआ, जो हमारे राही साहब थे और लोग थे, वो लोग शायद तेज साहब भी थे, तो वो ये बिल्कुल लगा कि वो सोच क्या है। हालांकि राही साहब तो अबव बोर्ड थे, अभी तक नहीं थे, तो अजीब उनकी राय ये होगी कि हम नहीं मान सकते, जब बातचीत हुई नहीं मान सकते हैं वन ऑफ द ग्रेट, शेक्सपियर जैसा नहीं मान सकते, मिल्टन जैसा नहीं मान सकते। और दूसरी तरफ पुष्प साहब थे, मेहता और शायद बिलका साहब थे, या मुझे याद नहीं आ रहा, तो हमारा मत था कि नहीं वो तो ग्रेट है, जो एक एज अ पोएट, छोड़ दीजिए उनका वो क्या था। तो ये हुआ, तो फिर वो जो हमारे रहबर साहब जो प्रोड्यूसर थे उस प्रोग्राम के, उन्होंने फिर अलग से हमसे कहा कि अजीब सा हो गया, हम इसको ब्रॉडकास्ट करें कि ना करें, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया। नहीं, संतोष साहब ने साथ दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, संतोष साहब ने संतोष जी तो संतोष साहब तो लल के थे ही, वो अलग भी थे, वो उन्हें एसपी कॉलेज में एक बार हुआ था, और तब भी एसपी कॉलेज में एक बार तो अलग से मीटिंग हो गई, अलग से ये क्या कह रहा है। संतोष साहब ने कहा कि जो ये शारिका पर्वत है,
तो वो उन दोनों उन्हीं उनका जो वो क्या उसका नाम रखा था पेटी का जो उन्होंने खास का पेट नहीं नहीं कोई मारा मैं नहीं कहता कि उसका पहाड़ का नाम क्या था। तो संतोष ने जिस तरह गुलाम रसूल संतोष जिस तरह का स्कूल सा एक सा चलाया उन्होंने त्रिका स्कूल नहीं खैर तो वो बहुत प्रभावित थे और वो उन्होंने एसपी कॉलेज में एक भाषण दिया जिसमें बताया कि ललदर जो है उसमें पूरा ये शैव शास्त्र है वो शैव योगिनी है। तो बड़ा तहलका मचाती ये क्या कह रहा है क्या कह रहा है ये आदमी। हालांकि संतोष ये मानते थे कि ये जो हरि पर्वत है हरि पर्वत में जो वो शेल है शिला है उस शिला पर उनने कहा कि उस पे वो क्या कहते हैं वो नक्श है मौजूद चक्र चक्र मौजूद है श्री चक्र है जो कि सिंदूर के लेप के तले अब दबे हुए हैं। और इस पर तो खैर बड़ी वो हुई उनकी भी फिर काफी वो हुई उनका विरोध हुआ वगैरह वगैरह ये होता रहा है वक्त वक्त पर। लेकिन ऐसे में बात यहाँ चली थी कि इंस्टीट्यूट इसको साधुवाद देता हूँ और खासतौर पर दिलीप कौर साहब दिलीप कौर साहब जो कि इसका काम कर रहे हैं। ललेश्वरी के बारे में बहुत सारी बातें हैं कॉन्ट्रोवर्सीज हैं सवाल इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ललेश्वरी ने जो कहा वो उसी समय लिखा नहीं गया ये सीधी बात है उसी समय वो लिखा नहीं गया वो लिखा गया पता नहीं उनके उनके समय में किसी ने लिखा हो घर पे तो लिखा हो लेकिन प्रकाश में बहुत देर में आया और नतीजा ये हुआ कि जो लिखते गए जो कि साधारण एक प्रोसेस है जो लिखता है वो उसका अपना ज्ञान या अज्ञान दोनों उसमें आ जाते हैं धीरे धीरे करके और उसे ये हो जाता है कि डिस्टॉर्शन हो जाता है और डिस्टॉर्शन बहुत हुआ है ललदत्त का और शब्द केवल शब्द ही नहीं आए हैं इतना आसान सा देखिए ना एक तरफ तो वो गगन सगुन म्यूल समिस्रटा ये उनकी भाषा है अभ्यस सविकस लय वथु गगनस सगुन नूर समित रटा। अब कभी कभी लगता है शायद ये कश्मीरी नहीं है संस्कृत भी नहीं है लेकिन ये संस्कृत और कश्मीरी के बीच जो कोई पूर्व की भाषा हो सकती है वो है ये क्योंकि ललदत्त के समय में कश्मीरी इतनी आसान नहीं करना चाहिए वैसे हम कहते हैं आसान क्योंकि वो हमारी चलती फिरती भाषा जो है जो बोलने की भाषा है उसके शब्द उसमें घुस आए हैं और वो हमारे लिए इंटेलिजिबल हो गई है हम इंटेलिजिबल जो हमारे लिए है हम उसको आसान कहते हैं और ललदत्त की भाषा आसान नहीं है असली तौर पर और वो जो आसान नहीं है उस हिसाब से अगर हम उनके उन श्लोकों को उनके उन वाक्यों को अलग कर लें तो कितने रह जाएंगे। आज तक उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई और ये काम शायद वो सेंटर वो मरकज कर सकता था जिसका कभी वहां नहीं हुआ आज तक। और शर्मिंदा होना चाहिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और डिपार्टमेंट को कि वो इसको जिसको जो पहली कवयित्री है तो आज तक मानते हैं ये नहीं कि उसको खारिज कर दिया है इसलिए अब उसके लिए कोई जगह नहीं है जैसे कि हमारे लिए वो तो है उसको अभी तक माना जाता है लेकिन उनके नाम पे कुछ नहीं जहां की रिसर्च होती इसलिए ये बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन जो बातें आज कॉन्शियसनेस के स्टेजेस से हम कई स्टेजेस से गुजर चुके हैं और हम जिंदगी भी देख चुके हैं बहुत ये जो खास तौर पे मैं जिसकी ओर ध्यान मेरा भी गया है और आप सबका गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाइल या इंस्टीट्यूट ऑफ ये इस नाम पे और ये जो खोला गया है अभी तक हम जुनोसाइड कहते रहे हैं। अरे अभी ये फिल्म न बनती
तो शायद कोई सुनता भी नहीं बात, यूनो सेट शब्द उससे शायद हमको आइडेंटिफाई कोई ना करता। तो आज क्योंकि है ही यही, आज फिल्म ही बननी चाहिए, आज ड्रामा ही होना चाहिए, आज हमारे जो हमारा जो मॉडर्न नैरेटिव है, मॉडर्न स्ट्रूम जो हमारा है साइंस का, इंजीनियरिंग का, जो कि अमेरिका में पढ़ता है, जो इंग्लैंड में पढ़ता है, जो यूरोप में कहीं काम करता है, उसके उसकी भाषा में, उसके इडियम में ये आज जाना चाहिए, ये हमारी टर्म्स हैं, ये जानी चाहिए, तभी तो हमारे इतिहास का पुनरावलोकन और पुनर्सृजन होगा, और पुनर्सृजन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपका आभार। यहाँ बस एक दो बातें और, बस एक बात आज शायद एक आध बात रही है कि ललदत्त को हम न सिर्फ कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो है वो एक भक्ति कवयित्री हम कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको शैव योगिनी भी है, कभी कभी क्या वास्तव में शैव योगिनी भी है और भक्त कवयित्री। जहाँ वो शैव योगिनी है वहां वो टर्स हो जाती है हमारे लिए समझने के लिए, हमारे समझने के लिए वो थोड़ा सा, और हमको जब तक शैव दर्शन का कुछ बेसिक मालूम न हो तब तक शायद हम उसको पूरी तरह से हम उसका अवग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते उसे, ये एज अ वो जब देखते हैं। इसलिए ये जो है ये क्या कहते हैं इसे, ललदत्त को फिर से पढ़ना और किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, नए कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। तो ललदत्त को मैं बात असली जो कह रहा था, मैं उसे भटक रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा था कि ललदत्त को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमारी जिंदगी के लिए क्या थी, वो उनने क्या दिया और कैसे वो आज तक हमारे बीच में जीवित हैं, ये हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए हम सब अगर अभी भी शुरू करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। मैं आप सबका आभार मानता हूँ कि आप एक प्योरली जो एक एकेडमिक विषय है, ये एकेडमिक विषय है और इस संस्थान भी एकेडमिक संस्थान है, तो इस प्योरली एकेडमिक विषय पे, एकेडमिक बहसों में, खास तौर पे डॉक्टर दिलीप कौर जो जिनको मैंने आज फिर से एक बार उनको मैंने आज समझ लिया, तो जहाँ वो जब इसको समझाते हैं इस बात को, और हमको ये पता चला कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है जहाँ की स्कूल्स पढ़ाते हैं, जहाँ वो और लोग तैयार करते हैं समझने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ वो होंगे तो उनके लिए हमारी श्रद्धा बनती है, हम उम्मीद करते हैं कि उनके इस इंस्टीट्यूट से और लोग जुड़ें और हम इन नए कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को फिर से समझ लें, अपने आप को डिस्कवर कर लें, यही मेरी कामना है। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए हमारी यही एक प्रार्थना होगी। धन्यवाद प्रोफेसर शांत, for these enlightening words. Lal Nasashan Manam Ji Adambar Ke Vaak Manas Kol Akol Na Aite Saiti Mudri Na Aite Pravesh Rozan Shiv Shakt Na Aite Matiye Ke Ti Vaktish. Aur is Bhavya Karyakram Ke Conclusion Par Main Apne Journalist Friend Aur Revered नमस्कार। ये निराशा आत्मयुक्त
कि कोई मीटिंग हो सकते आप गोवा के एहसास पब्लिक के दर्शन एस्पेस के कारण खासकर यजम ऐसी यम पानी दरोवर कश्मीर शेरिज्म हो ऐसे वक्त रूजस पे तो आम अगर कोई से बाटस बना हुआ चंद महीने तीस का कश्मीर में अगर इसका ऐसी बात करा हो सोच सकूं तीजा आलू एक दो ओवर में एक नफर एक दो गुम ये अच्छा लेडी या बंदला भी हो सकता तुम छे सोस या क्या चीज बनाम नौ कुआली से दस से जो होता दूगर नफर आप लोगों ने इस बड़े दानव आगे लेडी ये चीज से बड़े दहेज के लिए धार्मिक चीजें मस अभी सिर्फ मैं एक दो कात कौन उस पर हूँ तो से तो अच्छा के पता अपनों गुप्ता स्पेशल पार्टी में दोनों सुपर सकस पार्टी से तो ये ऐसी बात थी कि ऐसा उसको पता है चल चल की है कि कश्मीर में उसके आस पास आम लोगों को पता कश्मीर शेरिस को क्या डबल मोस्ट स्टडी हो उसको मत तभी ना बारे से क्या पता है उसने कोई शो लाल दिन मतलब तो सही का वाकई इस वाला रेडियस चिन्ह में रेडियस मतलब देनी खत्म कर दी तू मतलब क्या इधर मत हो सही मुसलमान को हम क्या कहाँ चीज़ हो सही पक्को में जितने के पता लग सकी है गलत चीज़ इस पर एक दो के देगी ले तो मारा हुआ तो एक बांध आम तुम्हें इस कारण बांध पहुँचते इस कारण सुचित क्यों कारण तुम्हें इस बसे ही पहुँचते कारण और वो लोग कहते हैं कि हम ये जब स्टेज करते हैं सात दिन पहले हम मीट नहीं खाते सात दिन हम पूरा नहा धो के हम फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर स्टेज पर आते हैं पाकिया वक्त दिन मान ये क्वांटिटी का जब वक्त कश्मीर मिलता नहीं गई तो ये सब तुम उसे लीक क्यों दोस्त हैं तुम सुबह खत्म सोच सुन मुझे दोस्त है क्या हो सर मुझे लुक तुमको जिम आई जिम आई इसमें ये चीज नो कंपेयर कर रहे हो जिम ची भी एक धन्य नगर डिब्ला जी के लिए मैं श्वासन नहीं दे सकता ही पॉइंट वाइट तक तो साथी सब तो वाइट की भी असर मत कबूल इतने के करो इस ऐसे बहुत आप लेकिन जाए बहुत में मैं बोला कान मैं बोला कान कांदे कातरीश कातरीश वो उसमें तकरीश शक जीरवल दफन ये ड्रामा स्टार्ट कर तो जिम्मा बोला ये जो कांदे कातरीश क्या जिम्मा तोर दी फिक्र ऐसे वो साकी सब तुमने खाए कहीं जैसा गए साकी शासन ताल सब कहीं जिस कर दाईश जहाँ उनका निमाता तातो सलासन सब भी खा ताते सलम के तो ये ऐसे कि कहीं कातरीश कोई हुआ या जिम्मा एक चीज उसने दवाई पुलिस के नाम आज जिम्मा सही ही और सहायक ने तो सोचे शेयर की तो जो लालदेव पे किताब थी इसमें लालदेव जो आखिरी से तेरे के लिए थी यार सब उन्होंने विन मोने करता है बाटल चल रहा होता है जिस बाटल जा रहा है तभी तो सो तभी तो वो लोग टाइम से तो उधर बाटल जा रहा है तभी किसी ने सब वर्ष कहते तो दुबले हैं इसमें कहीं दिखा दें जो युद्ध का ड्रामा या स्टेज कर रहे हैं सोनन बुले बुले वो जो कशिप पर जा रहे हैं सोनन ये जिंदु तो यहाँ से जो युद्ध का यार इसमें और की ऊंची से स्वारा और खत्म गई नहीं तो ये एकदम जोन वाइज में सुसु या बाकी के जो सुन जो ज्यादा रेडियो से पर अक्षरा काम करन का चल उस पे तो बेटी से आगे के कारण रात पर लिख गया ये तो आगे तो खैर असल काम की कसर मगर मोहन आप चीज में आप रिक्वेस्ट ये अगर मारवा एक आर्टिस्ट मस्त काम का चीज सुगे से जात जा तब से दैन का चिक्की असर से यंगर जनरेशन सदी का साथ में गसिंग बुलावा क्या तुमन दोदानी ये तैली फिक्री जता में तुम पन्नस कल्चर और सनन पन्न जसन सरता चता सनन तो दक्षिण मासन फसूल अशी क्या ऐसो सा सदा नतर मेरे मुंह अलग अति पुरुष पे टाइम सी का कर टाइम सी जैसे वालिया जैसे वो जो है नाउ की चीज बट बेसिकली वो उसने सु ऐसे सर्वाइन जसन पहचान किया जैसे स्पेस पे डर आप सु सरमाया ऐसो सो वार वार कम पसंद था तो जोराज ने सूट से सदा असल क्रम करन खास कर दिलीप सिंह सिंह के आसपास पर खास तो इनके भी लेक्चर जमा उठे आयन कुमार हमारा जम अभी वो तो चेयर कर मुझ लेक्चर मो आसक टीएन चेयर का इंटर को वाइन को जब जम जम मो को राज या हो सकी हो सक रहा वाइल्ड पर तो अच्छा चेयर की है तो अच्छा कि तो सकाई में बोले ना हम सिर्फ स्पेस करते हो बाकी जो मैं तो बोले शायद ही नमस्कार तो कुछ शायद ही शुक्रिया करो शुक्रिया ऐसी से ऐसी आसो मत बोलते परवाह लाल दिन से हम इस प्रॉक्सी में ऐसी से ऐसी आसो ऐसी दौरा कुर पतवत
Shiva sori ne yun tagatsun, rava sori ne ategat. Te nirne bro, chi chai kap kintizam karnamut, meherbeni ke nirne se chai kap. Shukriya, thank you, dhanyavad.